स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में सबसे पहले निकालो एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में आपको लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। ना क्वेश्चन आपको गिवन है वाई इक्वल टू पी एक्स, आपको गिवन है द ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स, दैट मीन्स वाई की आपको इक्वेशन गिवन है और गिवन इन द फिगर बिलो। और आपको ये बताना बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। नंबर ऑफ जीरोस बार पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरोस बार पे डिपेंड करता है बेटा कि ग्राफ में एक्स एक्सिस को जो लाइन है या कर्व है वो कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी लाइन, दैट कैन बी अ कर्व। ये आपको पता बेटा एक्स होता है, दिस इज व्हाट एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, कोई भी एक कर्व है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को, अगेन बेटा रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रही है, दो बार कट कर गया। तो जितनी बार ये x एक्सिस कट कर गई उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोस। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इन दिस केस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस आर टू, सिंस ये जो कर्व है वो x एक्सिस को दो बार कट कर रही है। नाउ लेट अस अज्यूम अनदर कार्टेशियन प्लेन है, ये मैंने बताया बेटा इस केस के अंदर ये x एक्सिस को, x एक्सिस अगेन बेटा बोल रहा हूं, x एक्सिस को एक्स एक्सिस को कितनी कट कर रही है, तीन जगह कट कर रही है। तो इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस विल बी व्हाट, थ्री। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ जीरोस विल बी व्हाट, वन, क्योंकि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट जाके कट कर रही है। और लास्ट वन इज अगर ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। नाउ दिस इज अ लाइन, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक जगह भी कट नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है मगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो, निल, यानी कि कोई भी इस केस में नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस बात पे डिपेंड करती है कोई भी कर्व है या फिर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, एनसीईआरटी निकालो बेटा, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जो मैंने यहां पे बनाया। इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस विल बी व्हाट, जीरो। सेकंड पार्ट नंबर ऑफ जीरोस विल बी व्हाट, वन। इन थर्ड पार्ट नंबर ऑफ जीरोस विल बी थ्री। इन फोर्थ पार्ट नंबर ऑफ जीरोस विल बी टू। इन फिफ्थ पार्ट नंबर ऑफ जीरोस विल बी वन टू थ्री फोर, क्योंकि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को चार जगह कट कर रही है। And the last one is sixth part, number of zeros will be 1, 2, 3, क्योंकि जो line है वो curve कर रही है लेकिन x axis को कितनी बार touch करके जा रही है, एक बार cut कर रही है और दो बार touch करके जा रही है। So number of zeros in this case will be 3. Now that's it in this exercise. निकालो next. Next exercise is 2.2. Now first question check करो, question number one में आपको given है find the zeros and the relationship between zeros and the coefficient, और आपको एक quadratic polynomial given है। कोई भी जो quadratic polynomial होता है वो होता है ax square plus bx plus c, quadratic। quadratic का मतलब क्या होता है, जिसकी degree कितनी होती है, 2, this is degree। लास्ट ईयर आप लोगों ने किया होगा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री 1 है, दिस इज लीनियर। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्या लिखता हूं, प्लस सी एक्स प्लस डी, समथिंग लाइक दिस। इस केस में ये डिग्री कितनी है बेटा, 3। अगर 3 है तो ये क्या होगा, क्यूबिक। मगर हमारे जो अभी हम कर रहे हैं बेटा दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2। नाउ इस चीज के अंदर इसको दोबारा देखो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है दैट इज कॉल्ड कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए कॉफिशियंट ऑफ एक्स, जो एक्स के साथ होता है दैट इज कॉल्ड बी। एंड कॉन्स्टेंट
जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज सी, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता. यहाँ पे जो एक्स है दिस इज वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ना फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज गिवन ax² + bx + c दिया हुआ है, जो x square है, पहले बात ये समझो, दिस इज स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है. जो x square के साथ होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x square, जो x के साथ होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, और जो विदाउट वेरिएबल होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड c. जो हम जो टॉपिक करेंगे बेटा उसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x² + bx + c की फॉर्म में होगा, ax² + bx होगा, c नहीं होगा, या फिर क्या होगा, ax² + c होगा. मगर इन तीनों कंडीशंस के अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0. a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, जो a है वो डेफिनेटली होगा, हो सकता है c ना हो सकता है b ना हो, मगर a होगा ही होगा, तभी बेटा एक क्वाड्रेटिक बनेगा. अब क्वेश्चन देखो आप लोग, Now look at the first question. Question number one, first part x square minus 2x minus 8. यहाँ पे question क्या है? सबसे पहले split the bedroom करना है, जो आप already पहले भी करते हैं, ninth में भी है, eighth में भी है. तो सबसे पहले मैंने आपको split the bedroom करना है और आपको number of zeros निकालने हैं. तो split the bedroom करने के लिए x square ये minus 2x है, ये minus 2x को आपको इस तरह से break करना है कि plus minus करें तो minus 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आ जाए. तो फैक्टर क्या बनता बेटा, 6 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो विल गेट माइनस 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट माइनस 8. इसमें x कॉमन ले लो, ये ऑलरेडी वही कंसेप्ट है जो ऑलरेडी पहले भी आप कर चुके हो. x आपने कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 4, इसमें 2 कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 4, this is x plus 2 and x minus 4. These are called factors. These are called factors. सबसे पहले आपको factors निकालने हैं, उसके बाद आपको क्या निकालने हैं, zeros निकालने हैं. तो बेटा zeros आप कैसे निकालोगे, zeros आप कैसे निकालोगे, x plus 2 equal to 0, put this is equal to 0 and x minus 4 equal to 0. जो भी factors आए उसको equal to 0 put कर दो, तो x equal to minus 2 and x equal to 4. These are called the zeros. These are called the जीरो. सबसे पहले आपको बोला गया फाइंड द जीरोस, तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोस इन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. फर्दर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको दो स्टेप्स निकालने, दो चीजें निकालने, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं. ये जो हमारे पास जीरोस आए हैं इन जीरोस को हम एक को जीरो को अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे को क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं. और फॉर्मूला होता है इन दोनों को प्लस करो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों को प्लस करना है. तो माइनस 2 प्लस 4 आंसर इज 2. इन दोनों जीरोस को माइनस 2 इज क्रॉसिंग, दिस इज अल्फा, ये अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा. वी राइट समथिंग लाइक दिस. तो इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस. और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू. फॉर्मूला इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू. नाउ लुक हियर, जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज व्हाट, माइनस 2, ये मैंने अभी आपको बताया था. जो x के साथ होगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ होगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस, माइनस 2. तो माइनस माइनस 2 लगा, ये माइनस इससे लगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और ये माइनस 2 इससे लगा क्योंकि हमारी जो कोएफिशिएंट ऑफ x है दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और x स्क्वायर कितना, आपको x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो दैट मींस कोएफिशिएंट कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1. तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर कितना, 2. चेक करो जो आंसर ये था वही आंसर ये आ गया. जो आंसर सम ऑफ जीरोस का वही रिलेशनशिप क्या कोएफिशिएंट का, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बनता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस
एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कॉफिशियंट, जो सम ऑफ जीरोस का आंसर आएगा वही आंसर बेटा माइनस कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ x कितना है। नेक्स्ट एक चीज आपको ये निकालनी है, दूसरी आपको निकालनी है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ये जो जीरोस है जीरोस क्या थे अल्फा इनटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो दैट इज माइनस टू, पहले का माइनस टू है दूसरी कितनी है फोर, वहां से कितना हुआ माइनस एट, और इसका फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ इन दिस केस ये जो हमारा आंसर है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज माइनस एट, तो दैट मीन्स इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा माइनस एट ही आना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इन दिस केस कॉन्स्टेंट होता है इसका वेरिएबल नहीं होता, दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट भी नहीं है माइनस एट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना बेटा वन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट इज माइनस एट, चेक करो माइनस एट एंड माइनस एट, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशियंट। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, जो सम ऑफ जीरोस आया दैट इज टू, ये वही होगा जो माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये वही आंसर होगा जो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर इसको मैं रख कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके सबसे पहले आपको क्या निकालना है फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने के बाद आपको क्या निकालना है बेटा जीरोस, और जीरोस निकालने के बाद जीरोस का रिलेशनशिप शो करना है कॉएफिशिएंट के साथ जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, इसको ब्रेक करो एकता 4x स्क्वायर, हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि माइनस 4s तो माइनस 2s एंड माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा माइनस 4s आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गेट द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट कॉमन ले लो बेटा कितना है 2s, तो 4 में से 2 गया दिस इज 2s, 1s चला गया 2s बाहर चला गया 1 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दैट इज 1 कॉमन होगा, तो कितना 2s माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होता है, अगर बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता लेकिन माइनस है तो साइन विल चेंज, माइनस दिस इज 2s माइनस 1, तो आपके पास दो फैक्टर्स बने, एक तो ये था ही 2s माइनस 1 और दूसरा आपके पास क्या है 2s माइनस 1, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। लेकिन आपको फैक्टर्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस आप कैसे निकालोगे जीरोस 2s minus 1 equal 0, further 2s minus 1 equal 0, दो ही दोनों सेम है लेकिन फिर भी आपको दोनों निकालने हैं, 2s equal 1, s equal 1 by 2, 2s equal 1, s equal to what? 1 by 2, these are called zeros, आप bracket में लिख सकते हो, ये alpha कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, beta, next step आपको क्या निकालना है, sum of zeros, तो इन दोनों zeros का अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम निकालो, सम कैसे निकालोगे 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, एलसीएम लो कितना है बेटा 2, इसको सॉल्व किया दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 1। अब सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस के बाद आपको क्या निकालना है फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला इज व्हाट माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, रिमेंबर उस केस में एक्स वेरिएबल था हमारे इसमें एस है, तो वी विल राइट कॉफिशियंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, फॉर्मूला वही है लेकिन वेरिएबल यहां चेंज हो गया तो यहां भी हम चेंज कर देंगे, फॉर्मूला इज माइनस कॉफिशियंट एस, तो माइनस लगाया, माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। नाउ कॉफिशियंट ऑफ एस, एस का कॉफिशियंट कितना गिवन है आपको माइनस फोर, ये दो माइनस साइन से आया क्योंकि एक तो फॉर्मूले माइनस है और माइनस फोर यहां पर वो गिवन है, डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का ऑप्शन कितना गिवन है फोर,
अगर इसको सॉल्व करता हूँ माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन फोर आंसर इस वन, चेक करो ये और ये सेम आ गया, जो आंसर सम ऑफ जीरोस का आ रहा वही आंसर कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप का भी आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये दो जीरोस हैं इनका प्रोडक्ट निकालो, वन बाय टू इंटू वन बाय टू दैट इज इक्वल टू वन बाय फोर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। What is constant term? Constant term means इसका variable नहीं है. That is what? 1. And coefficient of S square. S square का option कितना given आपको? 4. Check करो ना. जो answer इसका था, ये दो answer क्या आ गए? See. Now look at the third one. इन सारे क्वेश्चंस के आपको यही करना है, लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा वो करा रहा हूं जिसमें आपको ए भी है बी भी है सी भी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी मैं आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस करा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, सिक्स एस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। नाउ सबसे पहली बात है यहां पर मैंने इसलिए लिखा कि पहले हमेशा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए bx, पर लास्ट में क्या होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, पर यहां पे ऐसा नहीं है, पहले 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर है फिर कांस्टेंट टर्म है फिर x है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम इस ऑर्डर में लिखना है, अगर हम इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, इसको रीअरेंज किया बेटा मैंने, पहले एक्स स्क्वायर होगा फिर एक्स होगा और फिर लास्ट में क्या आएगी कांस्टेंट टर्म होगी। So, क्वेश्चन आपका ये है, अब ये नहीं, रीअरेंज करने के बाद यहां से आपने आपको स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे आप अभी करते आए हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करो, सिक्स थ्री का कितना हो गया। अच्छा एक चीज और है, सपोज करो किसी बच्चे से फैक्टर्स ही नहीं हो रहे, बच्चा कंफ्यूज, किसके फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब इसको मैं किस तरह से ब्रेक करूं कि सम करें तो माइनस सेवन एक्स आए मगर प्रोडक्ट करें तो कितना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करो कितना 18, इस केस में सम कितना है माइनस सेवन एक्स और प्रोडक्ट कितना है बड़ा माइनस 18x, तो हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस सेवन एक्स आए मगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x क्या है, मगर बच्चा कंफ्यूज हो नहीं रहा, इन दैट केस इस 18 के बेटा फैक्टर बनाओ, ये जो प्रोडक्ट है इसका फैक्टर बनाओ, 2 9 the 3 3 the 3 1 the, यहां पे फैक्टर बनाया, नाउ चेक इट आउट, 2 3 का कितना हुआ 6 6 and 3, तो पॉसिबल नहीं हो रहा, 2 3 का 6 हो गया, 6 and 3, मेरे पास दो नंबर्स आए, इन दोनों को प्लस करता हूं या माइनस करता हूं 7 नहीं आ रहा, तो लीव इट, इसको छोड़ दो, देन ट्राई सम अदर रिलेशन, इन दोनों को ट्राई करो, 3 3 का 3 3 का कितना हुआ 9 and this is 2, 9 or 2, 9 में से 2 minus करें कितना आ गया 7 और 9 2 का कितना होगा 18, अगर किसी को दिक्कत आए तो फैक्टर से भी, फैक्टर की हेल्प से बड़ा आंसर निकाल सकते हो। तो इस केस के अंदर जो फैक्टर्स है बड़ा 9 and 2 है, 9 and 2 means what, minus 9x, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है बड़ा है तो बड़े वाले के साथ माइनस होना चाहिए, प्लस 2x, 9 में से 2 गया तो कितना है बड़ा माइनस सेवन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो आई विल गेट माइनस 18x, तो फैक्टर्स आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 और दो एक्स स्क्वायर एक्स का कॉमन विल बी x, नाउ 6 में से 3 चला गया इट विल बी 2, एक्स स्क्वायर है एक एक्स चला गया एक्स, माइनस 9 में से 3 गया इट विल बी 3, और एक्स हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, ये तो कॉमन ले रहे हैं जो आप करते आए हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा बेटा 2x माइनस 3, रिमेंबर ये फैक्टर, ये जो हमेशा दोनों सेम होने चाहिए, अगर अलग अलग है तो समझो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई है, तो 2x माइनस 3 तो ये हो गया और दूसरा क्या हमने कॉमन ले लिया बेटा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 3x, ये बाहर जा चुका है तो क्या बचा प्लस 1, दीज आर कॉल्ड
फैक्टर्स, मतलब हमें क्या निकालने हैं, जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालोगे, 2x-3=0, 3x+1=0, जो भी फैक्टर्स आए हैं पुट देम इक्वल टू जीरो, 2x=3, x=3/2, 3x is -1, x = -1/3, दिस इज फॉर अल्फा एंड दिस इज फॉर बीटा, जो जीरो है उसके नाम दे दिए हमने अल्फा एंड बीटा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है प्लस बीटा, बीटा कितना बेटा -1/3, 3/2 +-1/3, एलसीएम लो, 3 और 2 एलसीएम कितना होगा 6, और एलसीएम कैसे लेते हैं, इस टर्म को इस डिनोमिनेटर को इस टर्म से क्या करते हैं डिवाइड, सिंपल कॉन्सेप्ट है, और जो आया उसको न्यूमरेटर से बेटा मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना 3, जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 कितना आया 9, 6/3 is 2, 2/1 by 2 दैट इज व्हाट 7/6, फार्मूला क्या होता है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो अगेन यहां पे क्वेश्चन में x आ गया, विल राइट x divided by coefficient of x term. Now, minus, ये minus मैंने इससे लिखा क्योंकि formula में minus है, coefficient of x, now this is not the question, this is the question मैंने change किया था इसको, now coefficient of x, x का option यहाँ पर कितना given आपको, -7, तो I will write -7 divided by coefficient of x term, x term का option कितना है 6, ये दो साइन इसलिए आए क्योंकि एक बार माइनस फॉर्मूले में था ही और कोएफिशिएंट एक्स यहां पे नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कितना आ गया 7/6, चेक करो ना जो आंसर सम ऑफ जीरोस का होगा वही आंसर किसका होगा, रिलेशनशिप ऑफ दिस को माइनस कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स। नाउ नेक्स्ट टाइम हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इनटू बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2 मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू बीटा -1/3, सिंस ये नेगेटिव है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैं ये 3 3 कट गया, व्हाट इज लेफ्ट -1/2। नाउ फार्मूला क्या होता है इसका, कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x here. Now what is constant term here? Constant कितनी given है? -3. Coefficient divided by coefficient of x here. और x का coefficient कितना है? 6. अगर दोनों को solve किया तो कितना है? -1/2. Check करो ना. जो product of zeros का answer था, वही answer किसका हुआ? Constant term divided by coefficient of x here. So every time, whenever you prove it, what you will find कि जो sum of zeros का answer होगा वही coefficient का इसका answer होगा, जो product of zeros का होगा वही answer होगा। The next question देखो, next question थोड़ा pattern अलग है। मैंने इसको रख कर दिया है, लेकिन आप इसमें पॉज करके बेटा इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, नाउ फोर्थ पार्ट इज 4u² + 8u। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले यहां पर अगेन वेरिएबल चेंज हो गया, जो वेरिएबल था पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे एक में x था एक में s था, मगर इसमें u आ गया, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, u हो सकता है, s हो सकता है, v हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर इसमें डिफरेंस ये है, ये क्वेश्चन आ गया इसमें ax² + bx, c नहीं है इसमें, सब ये टर्म है ax + bx, जिसमें a भी होता है, b भी होता है, c नहीं होता, उसको हम स्प्लिट टर्म मिडटर्म में भी करते हैं, मिडटर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं, लेकिन अगर ax² + bx है तो ये वाला स्प्लिटिंग टर्म मिडटर्म ये नहीं चलेगा बेटा, क्वेश्चन चेंज पैटर्न चेंज, इस केस में आप कॉमन लो बेटा, रिमेंबर इस केस में क्या लेना है, कॉमन लोगे, तो कॉमन कैसे लोगे,
4u square plus 8u में कॉमन गया, 4u कॉमन है तो 4 चला गया, एक u चला गया, व्हाट इज लेफ्ट u 8 है, 4 चला गया बाहर गया बचा 2, u तो ऑलरेडी बाहर चुका है तो कॉमन कितना आया 4u, हमने कॉमन लिया तो व्हाट वी गॉट 4u ब्रैकेट में u plus 2, ये जो एक और ब्रैकेट यहां पे डाल दो यही क्या आ गया बेटा फैक्टर्स, रिमेंबर द सेम। इस केस के अंदर जैसे ही आप कॉमन लोगे, कॉमन लेते सारे जो पहला स्टेप होगा वही सब के क्या होंगे फैक्टर्स, और रुक बेटी फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स हैं तो जीरो से निकालो, तो जीरो से कैसे निकालोगे 4u, एक फैक्टर ये था एक फैक्टर ये है, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0.4, दैट मीन u इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना आ गया -2। एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि चाहे हम इससे पहले हम कर रहे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्प्लिट ऑफ मेंटेन किया था, लेकिन यहां पे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री कितनी है 2, जितने भी डिग्री होगी ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने भी डिग्री होगी बेटा उतने ही उसके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हमेशा क्या होंगे 2 होंगे, चाहे c है चाहे b है, a तो है ना क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा 2, तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा कितना निकलेंगे 2 निकलेंगे, तो इस केस में भी 2, ये वाला क्वेश्चन है पहले हम ये वाला कर रहे थे, हम ये पैटर्न कर रहे हैं, लेकिन सिंस ये क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ इसके जीरो दो ही निकलेंगे, तो दीज आर द जीरोस, इसको अल्फा बोलेंगे एंड दिस इज व्हाट बीटा, सम निकालो, सम ऑफ जीरो डेट अल्फा प्लस बीटा, तो पहला क्या बेटा जीरो प्लस माइनस टू, आंसर इज व्हाट माइनस टू, फॉर्मूला मैंने बताया बेटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ यहां पे यू है वी विल राइट यू डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, नाउ माइनस कॉफिशियंट ऑफ यू, यू का कॉफिशियंट कितना आपको गिवन है 8, डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना आपको गिवन है 4, इसको सॉल्व किया तो कितना माइनस टू, चेक करो सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इनटू बीटा, व्हाट इज द वैल्यू अल्फा 0, व्हाट इज द वैल्यू बीटा -2, आंसर इज व्हाट 0 क्योंकि 0 इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बड़ा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, नाउ चेक इट आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू स्क्वायर का कॉफिशियंट है, यू का कॉफिशियंट है मतलब कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि मैंने बताया इसमें सी नहीं है, अगर सी नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कितना होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यहां पे है ही नहीं तो मान लो 0 है बेटा है ही नहीं, तो दैट मींस कॉन्स्टेंट टर्म इज 0 डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 4, 0 upon anything answer is always 0, now check it out ki product of zeros is this aur humne formula apply kiya usse bada same answer aaya।